अगर आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइम से मिलती रहे सो हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग फिजिकल एजुकेशन स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में जिसमें हम सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर टी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के वी सिलेबस हम कवर करेंगे जो ऑफिशियल सिलेबस है जो सिलेबस आपको फॉलो करना है टू क्लियर दिस एग्जाम हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और सारे डिटेल्स कवर करें बच्चों का ये डाउट बहुत कॉमन है कि एक प्रॉपर सिलेबस है क्या क्योंकि सिलेबस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी लेकिन एक जेन्यन सिलेबस प्रॉपर जिस्ट आपको जो पता होना चाहिए टू क्लियर दिस एग्ज़ाम और ये जो सिलेबस है केवी संगठन का ही ऑफिशियल सिलेबस है जो उन्होंने जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजी टी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन तो चलिए देखते हैं क्या सिलेबस में है और क्या क्या आपको पढ़ना है जिससे आप इस साल का के का एग्जाम क्लियर करेंगे हमने इससे पहले भी दो वीडियो बनाई हैं के पर ही जिसमें हमने बुक्स और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं हमने डिस्कस की हैं अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को जाकर जरूर देखें और इस सिलेबस के हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के सेक्शन में सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसमें से पहला पार्ट जो है वो है पार्ट ए जिसमें आप कॉन्सेप्ट ऑफ़ फ़िजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे जिसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फ़िजिकल एजुकेशन उसका एम एंड क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन का हमारे लाइफ में और प्लेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन टोटल एजुकेशन प्रोसेस एक रोल क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का किसी भी एजुकेशन प्रोसेस में तो ये पहला है मतलब एक बेसिक्स आपको पता होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन होता क्या है उसका एम्स क्या है ऑब्जेक्टिव और हम इस फिजिकल एजुकेशन को पढ़कर कर कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन प्रोसेस में जो सेकंड हिस्सा है उसमें फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फ़िजिकल एजुकेशन हम पढ़ेंगे जिसमें इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन जो हम एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल एजुकेशन में उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के कुछ सिस्टम्स पर लगता है तो वो सिस्टम्स हैं मस्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम तो इन सिस्टम्स पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है इन सिस्टम्स पर ये उसका सेकंड हिस्सा है देन थर्ड हिस्सा है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फ़िजिकल एजुकेशन जिसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अचीवमेंट एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैनशिप एंड स्पोर्ट्स एथिक्स तो ये जो टॉपिक्स है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फ़िजिकल एजुकेशन ये आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएंगे लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा आप सी बी एस ई का इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का जो बुक होता है उसमें भी ये टॉपिक्स रहेंगे आप अपना बेसिक्स पहले क्लियर करें उसके बाद एंट्रेंस लेवल का बुक पढ़ें या फिर आप कॉम्पिटेटिव लेवल्स का बुक पढ़ें क्योंकि अगर आपका बेसिक्स ही स्ट्रॉग नहीं होगा तो आप ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप जो बेस लेवल के बुक्स हैं वो बुक्स को भी रिफर करें साथ ही साथ एंट्रेंस लेवल या फिर कॉम्पिटेटिव लेवल के जो बुक्स होते हैं उसको भी रिफर करें आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा तभी जाकर के का फिजिकल एजुकेशन का जो एग्जाम है वो आप क्लियर करेंगे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पार्ट ए का वो डिस्कस करते हैं फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस जिसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट मीनस ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट एरोक्टिविटीज लाइक जॉगिंग साइक्लिंग कैलस्थानिक्स एंड रिदमिंग एक्सरसाइजेस पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड सर्किट ट्रेनिंग तो ये फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं थ्योरी सेक्शन है थ्योरी पार्ट है तो आप ये सारे टॉपिक्स को गोथ्रू करें मैं जो इस वीडियो में टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ आप पॉइंट बाय पॉइंट अपना नोट्स बनाएं और उस टॉपिक को क्लियर करें क्योंकि बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट फिफ्थ में आ जाता है ट्रेनिंग मेथड्स ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर जो सब टॉपिक्स है वो है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग वार्मिंग अप लिम्बरिंग डाउन एंड देयर इंपॉर्टेंस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस मेथड्स ऑफ एंड्योरेंस डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूस मेथड इंटरवल ट्रेनिंग एंड फाटलेक मेथड्स ऑफ स्पीच डेवलपमेंट एक्सेलरेशन रन एंड पेस रेसेस ये मेथड ट्रेनिंग का सब टॉपिक्स है देन सिक्स पॉइंट में है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसमें सब टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज आई एस कल्चरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप डायनेमिक्स ये सारा हिस्सा पार्ट ए का है जिसमें आपको सारा थ्योरी ही देखना है और अपना बेस लेवल क्लियर करना है नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट बी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं तो अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जो सबसे पहला हिस्सा है और यही सब टॉपिक्स है सिर्फ पार्ट बी में जिसमें आप हिस्ट्री ऑफ द गेम लेटेस्ट जनरल रूल्स ऑफ द गेम आप इसमें पढ़ेंगे जितने भी मेजर गेम्स हैं उनका रूल्स आपको पता होना चाहिए देन मेजरमेंट ऑफ़ प्ले फील्ड्स एंड स्पेसिफ़िकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्ले फील्ड्स का जितना भी स्पेसिफिकेशन होता है कितना लंबा कितना चौड़ा होना चाहिए एक प्ले फील्ड आपको पता होना चाहिए देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का आपको स्पेसिफ़िकेशन पता होना चाहिए उसके बाद है फंडामेंटल स्किल्स ऑफ द गेम जितने भी फंडामेंटल स्किल्स होते हैं मेजर गेम्स का वो आपको पता तो ज़रूर होना चाहिए अगर आप एक्स्ट्रा कोई गेम का भी नॉलेज ले रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा होगा आपका और रिलेटेड स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता होना चाहिए जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं स्पोर्ट्स में यूज़ किए जाते हैं वो सब आपको जानकारी रखना है देन इम्पॉर्टेंट टर्नामेंट्स एंड वेन्यूज़ जितने भी इंपॉर्टेंट टर्नामेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं और वो कहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं उनका वेन्यूज़ भी आपको पता करना है देन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ जितने भी बड़े स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने कौन कौन सा टूर्नामेंट जीता है कौन कौन से इवेंट्स वो खेल रहे हैं वो सब आपको नॉलेज होना चाहिए देन स्पोर्ट्स अवार्ड्स जितने भी मेजर इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं वो आपको पता ना चाहिए फॉर द डिफरेंट गेम्स अगर मैं पार्ट सी की बात करूँ तो इसमें पार्ट सी काफ़ी बड़ा है और थ्योरी पार्ट ही है जिसमें आपको पार्ट सी का जो मेन टॉपिक है वो हेल्थ एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन के अंडर आप पढ़ाई करेंगे सब टॉपिक्स में होगा कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टि ऑफ हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रिंपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी अगर मैं सेकेंड मेन टॉपिक की बात करूँ कम्युनिकेबल डिजीजेस और उसके अंडर जो सब टॉपिक्स हैं वो है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस एसेंशियल कंडीशन फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस टू ऑकर एंड डिजीज प्रोसेस कॉमन अलर्ट सिग्नल्स इंडिकेटिंग ऑन सेट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉमन सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ एड्स हेपाटाइटिस बी एंड हैपेटाइटिस सी बेसिकली सेकेंड यूनिट में कॉम्युनिकबल डिजीज़ के अंडर जितना भी कॉम्युनिकबल डिजीज का इन्फॉर्मेशन वो आपको लेना है फ्रॉम द बेसिक्स टू हायर लेवल और कॉम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है और उसका कीयर एंड सिम्टम्स सिग्नल्स सब आपको पता करना है देन थर्ड हिस्से में आ जाता है मेन टॉपिक में थर्ड मेन टॉपिक जो है वो है कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स और उसमें सब टॉपिक्स जो है वो है अब्यूज़ ऑफ एल्कोहल टोबैको एंड ड्रग्स एंड द इफेक्ट ऑफ एब्यूज ऑन इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी एफेक्ट ऑफ एल्कोहल टोबैको एंड ड्रग्स ऑन स्पोर्ट्स पर्सन ईटिंग हैबिट्स डेट कॉज ओबेसिटी एंड एफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल ये थर्ड हिस्सा था फोर्थ हिस्से में हम देखेंगे फोर्थ का जो मेन टॉपिक है वो है हेल्थफुल लिविंग जिसमें सब टॉपिक्स काफ़ी सारा है जिसमें आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट, लिविंग एनवायरनमेंट, वर्कप्लेस एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट ऑफ लेजर एक्टिविटीज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हेल्थफुल एनवायरमेंट सेफ वाटर Low levels of noise, clean air, sanitary surroundings, low level of radioactive radiations and absence of hazard responsible for accidents in first point a home and neighborhood and uh, rural and urban areas. Second point is school and workplace. Third point during leisure time activities, recreation and sports of role of individual in improvement of environment for health promotion, prevention of accidents related to transportation, swimming, and water sports, disaster preparedness. एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग डिजास्टर्स तो इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट एन्वायमेंट और जितने भी पॉल्यूशंस एंड uh, जितने अलग अलग तरह के पॉल्यूशन होते हैं आपको एन्वायमेंट कैसे क्लीन करना है ये एक बेसिक आइडिया एक जनरल साइंस का पार्ट है ये देन फिफ्थ हिस्से में देखते हैं फैमिली हेल्थ एजुकेशन जिसमें आपको सब टॉपिक्स जो मिलेंगे वो होंगे मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ़ फैमिली एंड इट्स इम्पॉटेंस एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट्स एंड देयर मैनेजमेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेस्टूरेशन कॉन्सेप्शनल एंड प्रीनटल केयर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्री मैरिजल सेक्स एंड टीन एज प्रेगनेंसीज प्रिपरेशन ऑफ मैरिज एंड रोल ऑफ पेरेंट इन चाइल्ड केयर ये जितना है ये फैमिली हेल्थ एजुकेशन के अंडर आता है इनका टॉपिक्स आपको सी बी एस सी के क्लास एइट से लेकर टेन तक का जो बुक्स है उसमें भी है उन बुक्स को रिफ़र कर सकते हैं या फिर आप कॉम्पिटेटिव लेवल्स का जो बुक्स आता है जनरल साइंस का हिस्सा है आप उससे भी क्लियर कर सकते हैं अपने ये टॉपिक्स देन लास्ट जो सेक्शन है वो है मेन सेक्शन वो है प्रिवेंशन एंड एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज ये आपके बैचलर्स डिग्री में काफ़ी टाइम ये सारा टॉपिक्स कवर किया गया है तो आप जो सेपरेट बुक्स पढ़ रहे हैं वो तो रिफ़र कर ही रहे हैं वो बुक्स रिफ़र करिए और जो बैचलर्स लेवल में आपको जो जो पढ़ाया गया है उन बुक्स को भी आप ज़रूर रिफ़र करें क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चन आएगा के का एग्ज़ाम में कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज स्प्रेन एंड स्ट्रेन बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज़ यही है के फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का सिलेबस ये ऑफिशियल सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं केवी वेबसाइट से अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं तो हमने इसमें सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर टी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का प्रॉपर सिलेबस कवर किया जेन्यन सिलेबस है आपको के के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा तो इसी सिलेबस के हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें और अच्छे से प्रिपेयर करें इस के वी एस एग्जाम को इस बार क्लियर करें और वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम से मिलती रहे So thank you so much for watching, prepare well and all the best.